उनकी सुनने की क्षमता समय से बहुत पहले ही खत्म हो गई क्योंकि उन्होंने इतना गन सुने हुए थे और तो ये साला हुआ कि नहीं ये पता है वो गाने वाले देखो वो गाने वाले क्योंकि फिर फिर बड़े गन के टाइम पे हेडफोन था उसके कान में नहीं अब नहीं है क्या क्या किया जा सकता वो खुद खून में लथपथ है उस टाइम लेकिन वो जो शॉर्ट वाला सीन होता है ना वो आ रहे हैं तैयार होके फिर उसके बाद सारी चीजें उतर जाती हैं उनकी धीरे धीरे मैं मुझे लगता है दिस मेरे को ऐसा लगता है वो जो मशीन गन वाला वो, वो हेडफोन्स वाला दिस दैट हैव बीन डन टू मेक हिम लुक कूल

पहले उसके बाप को गोली मारी जाएगी और एक तो मेरे को लगता हाँ। है कि वो क्रोनोलॉजिकली भी नहीं मूवी पूरा मिक्स मैच करके दिखाएंगे अपने को हाँ, वो क्योंकि देखो एक घंटे की मूवी साढ़े तीन घंटे साढ़े तीन, थीक थीक है, देखे। देखे। है, तीन हाँ तो साढ़े तीन घंटे की मूवी अगर आप क्रोनोलॉजिकली दिखाओगे ना तो पीपल विल गेट बोल्ड आपको मूवी आगे पीछे करके दिखानी है दिस इज क्लासिकल क्रिस्टोफर नोडन स्ट्रेटेजी

आगे पीछे क्योंकि के लेना उस, उसका चेहरा फिर बॉबी देवल उसको लेफ्ट साइड पे पूरा पैस देता है यहाँ पे उसी फाइट के अंदर ठीक है और उसके बाद जब वो धोती दो, वगैरह वाला सीन है ना तो उसमें यहाँ पे उसको एक कट मिलता है ठीक है और वो कट फिर और कौन से फाइट में था

वो कब होगा मालूम है बाप को लगने के बाद वो आएगा कुछ बड़ा करेगा आ, और तब बाप आ, उसको बोलेगा मुझसे पूछा नहीं तब बोलेगा रहा हूँ फिर उसके बाद बाप बोलेगा कि अभी ये मेरे हाथ से आगे निकल चुका है फिर वो और अपनी बीबी के साथ पहुंचेगा मैंने एक थेरी सुनी थी मतलब

टी सीरीज वालों ने संदीप रेड्डी वांगा को इसमें बैक किया भाई, भाई यार पूरा खुला तीन घंटा बीस मिनट भाई यार तीन घंटे बीस मिनट की पिक्चर ठीक है पहली बात तो नो स्टोरी गट्स। जो लिखनी है लिखो ठीक है जो एक्टर हाँ। चाहिए वो ले लो उसके बाद तुमको जितना लंबा बनाना है बनाओ जितना वॉलेंस डालना है डालो और हम रिलीज करेंगे हम रिलीज करेंगे मैं मतलब सल्यूट हिम्मत चाहिए भाई तो किसी भी स्टूडियो के लिए बहुत देते हैं बट हाँ, इस डिसीजन हाँ, के लिए काफी सही सच में सच में मतलब अनहिंडर्ड विजन किसी भी डायरेक्टर का अनकट अनरिफाइंड अनफिल्टर्ड विजन आपको प्रोवाइड करने के लिए भाई कूदा चाहिए भाई यार संदीप रेड्डी वांगा अब मेरे फेवरेट डायरेक्टर्स में से एक हो गया यार क्योंकि मतलब ये चीज उन्होंने पिछले दो मूवीज जो कि रीमेक की बट प्रूव किया है उन्होंने कि तीन घंटे की मूवीज इतना चल सकती है कबीर सिंह मैंने जब कहा था कबीर सिंह रिलीज हुई थी मैंने रील पे एक शॉर्ट देखा हुआ था कि मतलब शायद किसी स्टेट का ही था वो, वो ध्यान नहीं आ रहा लेकिन कबीर सिंह के ही ही टिकट से मिल रहे थे लोग हाँ। सिंगल स्क्रीन के थिएटर नहीं होता चैनल गेट पे चढ़ के ये मतलब कर रहे हैं कि मतलब जाने दो अंदर मतलब तुम सोचो ना अभी देखा मैंने कबीर सिंह का नेट था 278 करोड़ 280 करोड़ ठीक है नेट कलेक्शन इतना मोस्ट प्रोबेबली टाइगर थ्री नहीं जाएगी या इसके आसपास ही खत्म हो जाएगी तो सोच ये 2019 की पिक्चर कबीर सिंह तीन घंटे की मूवी ए, ए रेटिंग थी उसको भी भाई यार ये बवाल ब, बवाल जाएगी भाई